मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे और एक बात के लिए भी आपका आभार व्यक्त करना है और दुनिया के लोगों का भी आभार व्यक्त करना है। 21 जून को फिर से एक बार योग दिवस में जिस सक्रियता के साथ, उमंग के साथ, एक एक परिवार के तीन तीन चार चार पीढ़ियां एक साथ आकर के योग दिवस को मनाया, होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए जो जागरूकता आई है उसमें योग दिवस का महात्म्य बढ़ता चला जा रहा है। हर कोई विश्व के हर कोने में सूरज निकलते ही अगर कोई योग प्रेमी उसका स्वागत करता है तो सूरज ढलते की पूरी यात्रा है, शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहां इंसान हो और योग के साथ जुड़ा हुआ न हो, इतना बड़ा योग ने रूप ले लिया है। भारत में हिमालय से हिंद महासागर तक, सियाचिन से लेकर के सबमरीन तक, एयरफोर्स से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक, एसी जिम से लेकर तपते रेगिस्तान तक, गांवों से लेकर शहरों तक, जहां भी संभव था ऐसी हर जगह पर न सिर्फ योग किया गया बल्कि सामूहिक रूप से सेलिब्रेट भी किया गया। दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, जानी मानी हस्तियों, सामान्य नागरिकों ने मुझे ट्विटर पर दिखाया कि कैसे उन्होंने अपने अपने देश में योग मनाया। उस दिन दुनिया एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह लग रही थी। हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए स्वस्थ और संवेदनशील व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और योग यही सुनिश्चित करता है। इसलिए योग का प्रचार प्रसार समाज सेवा का एक महान कार्य है। क्या ऐसी सेवा को मान्यता देकर उसे सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? वर्ष 2019 में योग के प्रमोशन और डेवलपमेंट में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड की घोषणा अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़े संतोष की बात थी। यह पुरस्कार दुनिया भर के उन संगठनों को दिया गया है जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं की होगी कि उन्होंने कैसे योग के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उदाहरण के लिए जापान योग निकेतन को लीजिए, जिसने योग को पूरे जापान में लोकप्रिय बनाया है। जापान योग निकेतन वहां के कई इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग कोर्सेज चलाता है। या फिर इटली की मिस एंटोनिटा रोजी, उन्हीं का नाम ले लीजिए, जिन्होंने सर्व योग इंटरनेशनल की शुरुआत की और पूरे यूरोप में योग का प्रचार प्रसार किया। यह अपने आप में प्रेरक उदाहरण है। अगर यह योग से जुड़ा विषय है तो क्या भारतीय इसमें पीछे रह सकते हैं? बिहार योग विद्यालय मुंगेर, उसको भी सम्मानित किया गया, पिछले कई दशकों से योग को समर्पित है। इसी प्रकार स्वामी राजर्षि मुनि को भी सम्मानित किया गया, उन्होंने लाइफ मिशन और लकुलेश योगा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। योग का व्यापक सेलिब्रेशन और योग का संदेश घर घर पहुंचाने वालों का सम्मान, दोनों ने ही इस योग दिवस को खास बना दिया है।